हम सब जा रहे हैं किला देखने, आई मीन रावल लोकेशन का, ठीक है, और साथ में परशुराम है, राहुल भी है, चल रहा है ना सभी? कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आगे का जो सीन आपको दिखाएंगे वो बहुत खतरनाक रहेगा, ठीक है, अंदर जाएंगे किले में। हम और हमारी टीम किले के अंदर जा रहे थे तो अचानक हमें एक प्यारा सा मंदिर दिखा हनुमान जी का, और देखने में इतना सुंदर लग रहा था, आपको भी दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। बाइक साइड में लगा लेते हैं और सीधा मंदिर का रुख करते हैं। मुझसे लोग ही नहीं खुला यार, हद हो गया। तो क्या नाचोगे? बजरंग बली हनुमान, पूरा घूम लिया है मंदिर को। क्यों कहाँ चला गया रे? बाबा अकेला छोड़ दिया इन्होंने। हमारी टीम अब बाबा के दर्शन करके निकल चुकी थी किले की ओर, क्योंकि शाम होने को थी और अंधेरा पड़ता जा रहा था, और हमने किले की ओर जाना बेहतर समझा क्योंकि रात होने पर परमिशन नहीं मिलती है यहाँ आने की। एक ही धर्राएं से काट रही हो हमको ले भैया। अभी हम किले के अंदर तो पहुंचे नहीं, लेकिन यहाँ बाहर घूम रहे हैं, काफी नजारा अच्छा लग रहा है। पर तुम कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहा है? अच्छा लग रहा है, लग रहा है। थोड़ा आवाज तेज बोले यार, मीठा है क्या? थोड़ा जोर से बोल, देख हंसता है यार, ये कुछ भी पूछता हूँ इससे हंसता है। और अब ये जो पीछे का सीन है, अब हम बस अंदर घुसने वाले हैं, फिर अंदर का सीन दिखाएंगे तुम्हें कैसा लगता है। दोस्तों जैसे हम किले के थोड़े नज़दीक पहुँचे, हमें ये एक गोल चौकर सा दिखा, और इसके नीचे जो आप मार्केट देखने वाले हो, आइए, इसके नीचे जो आप मार्केट देख रहे हो वो राघोगढ़ है, रावगढ़ का ये पूरा मार्केट है। किले के ऊपरी सिरे से देखते हो तो यहाँ का नज़ारा कुछ देखने लायक होता है, अमेजिंग, क्या लग रहा है यार। तो दोस्तों आप भी कभी आओ तो यहाँ का नज़ारा यहाँ से ज़रूर देखें, और यहाँ से देखने में इतना अच्छा लग रहा है। राहुल थोड़ा सीन दिखाना इधर का, बहुत मस्त लग रहा है यार देखने में। और अगर यहाँ से गिर गए ना, हड्डी पसली दोनों टूट जाएगी, मुझे पता है भाई। परशुराम में 50 किलो वजन है, राहुल परशुराम आया है यहाँ से कूदने के लिए, बोल रहा है कि 50 किलो वजन है मुझ में, मैं कूद सकता हूँ, मैं उड़ भी सकता हूँ। ऐसा ये बात सही है क्या? नहीं। दोस्तों
यहाँ से शुरू होता है किले के अंदर जाने का रास्ता, किला रोड। तो चलिए अब सीधा किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों फाइनली हम किले के अंदर पहुंच चुके हैं और वाओ क्या नजारा है, कितना मस्त लग रहा है देखने में ना। अरे परशुराम थोड़ा कैमरे से दूर रहो यार। दोस्तों अभी हम किले के अंदर तो घुस चुके हैं, लेकिन अभी और भी सीन दिखाना बाकी है और आप देखते रहिए और बने रहिए वीडियो में। यार यहाँ रात में तो बहुत डर लगता होगा कसम से, कितना गहरा है ना। एक मिनट रहो, अंदर का सीन दिखाना जरा, आ जाओ। बाप रे, जरा सेफ्टी के साथ है ना, कुछ होने जाए। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों किले के सबसे ऊपर चढ़कर आप देखोगे तो आपको नज़ारा ऐसा दिखेगा, और जो सामने दिख रहा है अभी राघोगढ़ है, और देखिए यहाँ से देखने में कितना मस्त लग रहा है। दोस्तों वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये कोई बम नहीं है और ये तोपे हैं, जो पुराने ज़माने की तोपे हैं, जो इनको लड़ाई में यूज किया जाता था। और जब भी कहीं फाइट होता था, लड़ाई होता था, तो लोग इनमें बारूद डालकर, या मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इनको चलाते थे, यही तोप हुआ करती थी पहले। लेकिन आज तो आजकल ना जाने कैसे कैसे आधुनिक हथियार आ गए हैं, तो अभी इनका उपयोग बंद है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दोस्तों हमने सारा किला घूम लिया है और बहुत मज़ा आया, अब हम जा रहे हैं सभी घर अपने, बारिश होने वाला है। दोस्तों आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, फिर से अगले दिन शूटिंग करेंगे। तो आज इतना ही वीडियो में।